दीपालिया स्टेशन आ गई है दोस्तों। देखिए दीपाली इधर बैठी है, देखिए दीपाली को ठंडा लग रहा है। भीड़ कितना है इसमें देखिए। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों वेलकम माय न्यू ब्लॉग दोस्तों, एंड गुड मॉर्निंग सभी को, क्योंकि अभी सुबह के 7 बजने वाला है, 7 बजा नहीं है, ठीक है। और सिकंदराबाद पहुंच गए हैं बाड़ी से सिकंदराबाद। रात को 12 बजे था ट्रेन बाड़ी में, फिर यहाँ पहुँचे थे लगभग 3:30 बजे पहुंचे थे। फिर वेटिंग रूम में रेस्ट किए, आराम किए, नींद आ रहा था। किसी को नींद नहीं हुआ, मेरे को भी नींद नहीं हुआ था, दीपाली की मम्मी को भी नींद नहीं हुआ, दीपाली को भी नहीं हुआ था, इसीलिए वेटिंग रूम में आराम किए। और अभी देखिए सुबह हो गया है, और यहाँ से 9:30 बजे ट्रेन है, 9:25 में है ट्रेन, एक नंबर से खुलती है दानापुर के लिए, ठीक है। तो अभी सिकंदराबाद स्टेशन के बाहर में है, और बाहर का ये व्यू है देखिए दोस्तों, गाड़ी उड़ी सब लगा हुआ है, ये बाहर का व्यू है। इससे पहले भी मैं आप सबको दिखाया था, देखिए टाइमिंग भी बता रहा है, लेकिन टाइमिंग गलत बता रहा है, ठीक है। वीडियो में लास्ट तक बने रहिए दोस्तों, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। पूरा जर्नी मैं आप सबको दिखाने वाला हूँ दानापुर से, ये सिकंदराबाद से दानापुर का ट्रेन जर्नी, थर्ड एसी का, ठीक है। थर्ड एसी में क्या क्या सुविधा मिला है अभी तक कोरोना के बाद, कम्बल उम्बल मिला है कि नहीं मिला है, ये सब मैं आप सबको बताऊंगा, वीडियो में बने रहिए, ठीक है। ये देखिए सिकंदराबाद स्टेशन है, 6:56 हो रहा है अभी टाइमिंग, देख सकते हैं आप लोग। अरे ये बाहर का व्यू है, देखिए बाहर का नज़ारा है, स्टेशन के बाहर का है, बहुत भीड़ भाड़ है यहाँ। दीपाली का तबीयत भी थोड़ा ख़राब हो गया है, उसी के लिए दवा लेने के लिए आए थे, लेकिन अभी इतना सुबह सुबह कोई दुकान भी नहीं खुला हुआ है, सब दुकान भी बंद है। कुछ देर के बाद आएंगे, आधा एक घंटा के बाद, क्योंकि अभी 9:30 बजे यहां से गाड़ी खुलेगी, तो एक घंटा के बाद आएंगे। अभी 7 बज रहा है, 8 बजे के लगभग आएंगे, अगर दुकान खुला रहेगा तो दवा लेंगे, अगर नहीं रहेगा तो कुछ है दवा, ठीक है। देखिए कितना अच्छा ड्राइंग बना हुआ है स्टेशन के बाहर में, ये एक नंबर स्टेशन का व्यू है दोस्तों, देखिए। दानापुर से देखिए दोस्तों गाड़ी खुल गई है, कितना बदमाशी कर रही है, गिर जाओगे दीपाली, दीपाली देखो 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 देखो, ऊपर से ढोलक हम बजा देंगे, इधर देखिए क्या देखे दीपाली, क्या देखी थी, बाहर से ट्रेन जा रहा है। अभी कुछ दूर पहुंचे हैं दोस्तों, और देखिए अभी गाड़ी लगी हुई है, कौन सा स्टेशन है,
मांझरी जंक्शन है, यहाँ से दो रूट कटता है, इसीलिए इसको जंक्शन बना दिया गया है और सिग्नल दे दिया है। गाड़ी देखिए किस तरह से सब भाग के चढ़ रहे हैं, हॉर्न दे दिए, देखिए अब खुलने वाली है गाड़ी, खुल गई। थर्ड एसी में भी बहुत ज़्यादा भीड़ है, देखिए कितना बहुत भीड़ है यार। दीपाली बहुत शरारती कर रही है, कभी उधर कभी उधर, कभी मम्मी पर चढ़ जाती है, कभी दादा पे कंधा पर चढ़ जाती है। देखिए दीपाली चढ़ पाती है कि नहीं ऊपर, चढ़ो ऊपर चढ़ो, नहीं पा रही है। नागपुर पहुंच गए हैं दोस्तों, और अभी सुबह से शाम हो गया है, अभी लगभग शाम के 7 बज रहा है। ये देखिए सिकंदराबाद दानापुर है दोस्तों, और इसमें स्लीपर ये S8 है, और स्लीपर का कंडीशन देखिए कितना भीड़ है इसमें अंदर, बहुत भीड़ है स्लीपर में, जनरल बना हुआ है, देखिए कितना भीड़ है। एसी का तो बात ही अलग है, लेकिन स्लीपर में पूरा जनरल बना हुआ है, देखिए। ना भैया जबलपुर वाली गाड़ी जाएगी अभी, जबलपुर वाली पता नहीं, देख भीड़ इतना है कि दिमाग पूरा खराब हो जाता है, अगर स्लीपर में सीट रहता तो बहुत परेशानी होता है। दीपावली हम सब का ट्रेन पे ही बीत जाएगा, क्योंकि आज दीपावली है, और देखिए अभी ट्रेन पर ही है, गाड़ी रुकी है। दीपाली तो सुबह सुबह मुँह धो ली, हम अभी नहीं धोए हैं। पहले नाश्ता करती है उसके बाद मुँह धोती है दीपाली ने। हाँ उधर देख के नाश्ता कर ली है। ये सुबह का नाश्ता देखिए दीपाली खा रही है। दीपाली ट्रेन में बैठ बैठ के बोर हो गई है, अभी बाहर आए हैं, इलाहाबाद पहुंच गए हैं अभी। दो रात और दो दिन काटने के बाद, अभी इलाहाबाद पहुंचे हैं, और अभी अपना फ्रेंड के पास जा रही है मिलने के लिए। दीपाली मिठू के पास जा रही है, यहाँ लगभग आधा घंटा गाड़ी रुकती है। जाली में देखिए डॉग बंद है, ये भी ट्रेन का सफर करेगा। वाराणसी देखिए पहुंचे हुए हैं अभी, ये बाहर का सीन है दोस्तों, देखिए दीपाली ट्रेन चला रही है, देखिए इधर है ड्राइवर साहब ट्रेन चालू करिए जल्दी चालू करिए, देखिए ट्रेन पे बैठी है दीपाली।
बहुत रुक रुक के लेके जा रही है दोस्तों। उधर तो गाड़ी सही आई, इलाहाबाद तक टाइम टू टाइम आई, और इलाहाबाद के इधर पूरा रुक रुक के लेके जा रही है। लगता है रात हो जाएगा पटना में, पटना नहीं दानापुर में, दानापुर में 6 बजे टाइमिंग है। लग तो नहीं रहा है कि 6 बजे पहुँचेंगे, क्योंकि बहुत गाड़ी रोक रहा है। लगभग 7-8 बज जाएगा पटना को पहुँचने। देखिए खुल गई है अभी, जैसे बोला था उसी ड्राइवर खुल लिया, चलो भाई जल्दी जल्दी पहुँचा देते हैं। देखिए अभी और ये बनारस का गंगा जी है, देखिए कितना अच्छा घाट बना हुआ है। इधर वो नाय है ना घूमने के लिए, देखिए बोट बना हुआ है साइड साइड। ट्रेन से आप सबको दिखा रहे हैं, इलाहाबाद से बढ़िया है यहाँ। देखिए कितना अच्छा घाट बना हुआ है। इधर बालू दानापुर मुकामा बरौनी पैसेंजर प्लेटफॉर्म संख्या 4 से चलने को तैयार है। दानापुर पहुंच गए हैं अभी, टाइम से पहले पहुंच गए, 10 मिनट पहले पहुंचे हैं। देखिए अब यहां से बस से जाना पड़ेगा, ऑटो पकड़ेंगे, उसके बाद देखिए दानापुर, उसके बाद फिर बस से जाना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट ब्लॉग में आप सबसे मिलेंगे। जब तक के लिए बाय, ठीक है।